द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधु भाई, अब मैं हूँ खटखट टोल पर, और खटखट टोल पर मेरे पीछे भाई तालू गांव के युवा साथी खड़े हैं, और इसमें भाई एक राजकुमार है, राजकुमार उर्फ ठाठी गांव तालू से, और इन्होंने ये बोल रहे हैं भाई इनका 1.5 एकड़ ज़मीन है और संयुक्त किसान मोर्चा को ये दान में अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे भाई, अपनी ज़मीन दान में क्यों दे रहे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? राजकुमार ठाठी। अच्छा, जो आप बोल रहे हो भाई 1.5 एकड़ ज़मीन आपके पास और आप संयुक्त किसान मोर्चा को दान में दे रहे हो, तो ऐसा कदम क्यों उठाया आपने? ऐसा कदम भाई साहब शहीद स्मारक के लिए। अच्छा, जो किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में अब तक, उनके स्मारक बनने चाहिए, आप ऐसा सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, वही सोच रहे हो। जैसे आपके 1.5 एकड़ ज़मीन है, बच्चे कितने आ गए? बच्चे कुछ नहीं भाई साहब, 1.5 किला। 1.5 किला है, मतलब कि बच्चे कितने हैं आपके? औलाद? दो लड़के। अच्छा, वो क्या करेंगे फिर आगे? वो अपना काम करेंगे, नौकरी लग जाएंगे, अगर जब पढ़ेंगे तो सूत्री डाले नौकरी लग जाएंगे भाई साहब, नहीं तो अपना में हिम्मत है कमा लेंगे। अच्छा, इसी कोई बात को नहीं। जो आपने यूँ फैसला लिया इसके ऊपर आपका परिवार कुणबा उसके बाद बगड़ है और गांव वाला के करना सारे खुश हैं भाई साहब? अच्छा, हाँ गांव वाले सारे सहमत हैं? बिल्कुल सारे सहमत हैं भाई। आपका नाम भैया? मेरा नाम कृष्ण जी, गांव तालू डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अच्छा भाई, जो इन्होंने फैसला लिया राजकुमार, इसके ऊपर क्या कहोगे आप? जी यही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान शहद दे चुके हैं उनके लिए शहीद स्मारक बने। अच्छा, हाँ जी, और इसी करके मैंने जमीन राजकुमार जो चाचा जी हमारे ने जमीन दी है, और ये संयुक्त किसान मोर्चा ही फैसला लेगा कि कब बनेगी और कब होगा ये। अच्छा, राम राम जी। राम राम भाई। जो फैसला लिया है राजकुमार ठाठी ने आपके गांव में, इसको लेकर क्या कहोगे आप? भाई साहब ठाठी ने बहुत बढ़िया शुरुआत करी, एक देश के लिए नई पहल की शुरुआत की। इसको 1.5 एकड़ दिवाई दे दी, उसके बाद बिल्कुल इसका मन मानना, इसने दे दी, बहुत बढ़िया काम करे भाई ने किसानों के लिए, जो बलिदान दो चुके उनके लिए वहाँ शहीद स्मारक बनाने की इसकी इच्छा है। अच्छा, और भाई जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहोगे? 10 महीने तो हो गए सरकार मान नहीं रही है। कोई बात नहीं, 10 महीने हो गए तो हम तो 2025 लग भी रुकने के तैयार हैं कि जब लगते कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक डटे खड़े हैं सरकार को हरा के मानेंगे, या चाहे दूसरी सरकार ले आनी पड़ो, ये काले कानून तो वापिस हो ही होंगे। और जो आपका गांव तालू है उसकी क्या भूमिका है अब लग किसान आंदोलन में? हमारी भूमिका बहुत है, किसान चौक पे हमारा तंबू लगा हुआ गांव की तरफ से, और वहीं रहते हैं भाई राजकुमार जी हैं जो चाचा जी, वहीं रहते हैं, ये भी 9 महीने से वहीं डटे हुए हैं। मतलब कि अभी आना जाना दिल्ली में? हाँ जी, खूब है, खूब हमारे किसान बैठे हैं वहाँ अभी भी, और जो भी धरना चलता है वहाँ, नया धरना भी चलता है या पुराने धरने, उन पर सभी पर किसान मिलेंगे आपको। और बात करो कौन सा कहना चाहोगे भाई जो राजकुमार ने दान में दी है 1.5 एकड़ जमीन? भाई राजकुमार ने बहुत अच्छी पहल की है, कम से कम जो ये हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं आंदोलन खत्म होने के बाद, तो उनको एक देखने लायक चीज बने वहाँ पर, कि वो याद रह जाए कि हमारे भाई वहाँ पर शहीद हुए थे, और वो स्मारक हमारे गाँव तालू में बनने जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या मैसेज आएगा जो भाई इतने बड़ा दान कर दिया, अपनी ज़मीन ही दे दी इससे? मैसेज तो भाई बहुत अच्छा जा रहा है, सब मोदी सरकार को भी पता चल चुका होगा शायद, बहुत दिन हो गए किसान अपनी जान लग देने तैयार हैं, जब ज़मीन ही दे दी तो जब जान की जरूरत पड़ेंगे तो जान भी देने के लिए तैयार हैं, ये उल्टे नहीं हटेंगे, तीनों कानून काले कानून खत्म हो रहा है, MSP पर गारंटी बनवा के ही मानेंगे। चलो ठीक है भाई, देखो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपका क्या मानना भाई कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि एक किसान का 1.5 एकड़ ज़मीन थी और उन्होंने पूरी की पूरी दान में दे दी है संयुक्त किसान मोर्चा को, और इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा भाई इस किसान की ज़मीन लेनी है या फिर नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।